बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आचार संहिता और होली के मद्देनजर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, होली व लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तेघरा अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस अनुमंडल के सभी इलाके में छापेमारी व फ्लैग मार्च कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में फुलवरिया थाना और बारो बाजार क्षेत्र के विभिन्न मार्गों में लोकसभा चुनाव और होली त्यौहार के मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ जवानों का फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च फुलवरिया थाना से शुरू होकर बरौनी के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बारो पहुंची, जहां बारो बाजार के विभिन्न मार्गों में भी फ्लैग मार्च किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने थाना अध्यक्ष एवं पुलिस बल के जवानों ने को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि होली के दिन क्षेत्र में हुड़दंगियों पर नजर रखेंगे, जरूरत पड़ने पर हुड़दंगियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोगों को विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने जनता से होली का पर्व शांतिपूर्ण मनाने की अपील करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही फुलवरिया थाना अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद ने क्षेत्र वासियों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च निकालने से जहां असामाजिक तत्वों में हड़कंप है, वही अमन पसंद लोगों में काफी उत्साह है। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।